सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनीता में। देखिए, अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और सभी मम्मियों को यही चिंता रहती है कि मैं क्या बनाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या नई चीज़ बनाऊं। तो आज मैं आपको एक बहुत नई चीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ, एक झटपट बनने वाला केक बनाना बता रही हूँ जो फटाफट तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स। आज मैं आपको ये बॉर्बन बिस्किट जो आते हैं चॉकलेट चला उससे ये केक बनाना बताऊंगी। या तो आप इसके ऐसे छोटे छोटे चार पैकेट लें, या ये बड़े वाले पैकेट लेने हैं तो दो पैकेट लें। मतलब टोटल ये 21 पीस बिस्किट्स आप रख लें। तो सबसे पहले इस बिस्किट का हम फाइन पाउडर कर लेते हैं। पाउडर बनाए पहले बिस्किट का। देखिए, मैंने इस बिस्किट का बिल्कुल ही फाइन पाउडर बना लिया। इसमें एक भी टुकड़ा बिस्किट का न रहने दें, अगर टुकड़ा है तो इसे छन्नी से छान लें। लेकिन तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटे हुए काजू और अखरोट के टुकड़े डालूंगी मैं ऐसे बर्तन में, या आपको जैसे भी बर्तन में लेना हो ले लें। और इसे घी से चारों तरफ से लगाकर इसे मैदा से कोटिंग कर दें थोड़ी इसकी, ताकि केक आसानी से निकल जाए। तो इसे दूध से थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके मैं फेंटूंगी। पूरा एक कप दूध इसमें चाहिए होता है। अब मैं इसमें एक चम्मच ये फ्रूट सॉल्ट जो होता है वो पूरा ऐसे फुल भरा हुआ एक चम्मच बस इनो मिलाऊंगी और थोड़ा सा दूध डाल करके इसे अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिला करके और फटाफट इसके ऊपर ये डाल दे। देखिए, इस तरह से ये केक को के मिश्रण को मैंने इसमें रख दिया है और मैं इसे कुकर में बनाऊंगी, स्टीम करके बनाऊंगी। तो मैं पहले ही कुकर में एक गिलास पानी डाल करके और इस तरह का एक जाली रख दीजिए। और देखिए, ये पानी भी अब गर्म हो गया है, हल्का थोड़ा सा गर्म हो गया है। फिर अब मैं इसको स्टीम होने के लिए कुकर में रखूंगी और इसका ढक्कन लगा दूंगी, इसकी सीटी निकाल करके। और ये 20 मिनट तक मैं इसे गैस के ऊपर रखूंगी। तो आज मीडियम हाई रखिए 20 मिनट तक, और देखते हैं 20 मिनट के बाद कि हमारा केक कैसे तैयार होता है। 20 मिनट हो गए, अब देखते हैं हमारा केक तैयार हुआ है या नहीं। ओहो, लग तो रहा है कि ये केक एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो हम चेक करें, अगर ये एक नाइफ लेकर के हम इसमें अंदर डालेंगे, अगर नाइफ बिल्कुल ऐसे चिकना निकला तो हम समझ जाएंगे कि हमारा केक तैयार हो गया है। तो ये 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल भी ये नाइफ में बिल्कुल नहीं आया, तो हमारा ये केक बिल्कुल तैयार है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर हम पलट कर देंगे। लेकिन देखिए हमारा कितना अच्छा स्पंजी केक तैयार हो गया, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये केक तैयार हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं, देखते हैं इसे पलट कर ये निकलता है कि नहीं हमारा ये। देखिए क्या मस्त केक तैयार हुआ है, देखिए देखिए फ्रेंड, ये कितना स्पॉन्जी अच्छा मस्त केक तैयार हुआ है। अच्छा केक तैयार हो गया है, देखो। अब इसे हम डेकोरेट करते हैं। देखिए, ये मैंने
ये केक तैयार कर लिया है। इसे मैंने व्हिप्ड क्रीम से सजाया है। मार्केट में व्हिप्ड क्रीम आराम से मिल जाते हैं, या नहीं तो आप किसी भी बेकरी की दुकान पर जा कर के वहाँ से ये व्हिप्ड क्रीम आप लेकर आ सकते हैं, और अगर नहीं तो आप अमूल क्रीम लेकर के और उसमें आइसिंग शुगर मिलाकर मिक्सी में अच्छी तरह से चला करके भी आप घर में भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये क्रीम मार्केट से मंगाया है, ये व्हिप्ड क्रीम है। तो देखिए ये केक झटपट बनकर तैयार हो गया है, और ये 2 दिनों के बाद मेरे बेटा बहू की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज उनकी बहुत याद आ रही है। तो बच्चों ये केक आपके लिए, तो बताइए ये मेरा बनाया हुआ केक आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। झटपट तैयार होने वाला ये केक।